अच्छा अस्सलाम वालेकुम एवरीवन सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू द इंटर केयर इंटरनेटल केयर वो केयर होती है जो प्रेगनेंसी की डिलीवरी के वक्त जो केयर होती है ना उसको आप इंटरनेटल केयर कहते हो और इट्स अ केयर ऑफ़ द मदर एज वेल एज द चाइल्ड एज वेल ठीक है अच्छा अब इंटरनेटल केयर में हमारे पास तीन सीज़ आ जाते हैं ठीक है थ्री सीज़ हैं एक हमारे पास है क्लीन डिलीवरी सर्विस सेकेंड है क्लीन हैंड ठीक है ठीक है एंड थर्ड हमारे पास है क्लीन कटिंग ऑफ द कॉर्ड ठीक है अच्छा इसके अलावा हमारे पास आ, जो है वो मेटरनल हेल्थ भी आ जाती है और बच्चे की भी हेल्थ आ जाती है इसके अलावा जो है वो डॉक्टर को जो है वो रेडी रहना पड़ता है फॉर दी कम्प्लिकेशन्स ठीक है एंड इसके अलावा इंजरीज मिनिमम इंजरीज होनी चाहिए ठीक है अच्छा फिर इंटरनेटल जो है सर्विसेज है ना इंटरनेटल सर्विसेज कहाँ पे प्रोवाइड की जाती है मेटरनल होम्स में प्रोवाइड की जा सकती हैं एम्बुलेंसेज में प्रोवाइड की जाती हैं हॉस्ट हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जा सकती हैं इसके अलावा होम्स में जिसको आप वो कहते हो डिमेसिलरी केयर जो है वो वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं ठीक है अच्छा इसके अलावा जो है वो आ, 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 वो आ सकता है इसमें लेबॉर्ट्री वगैरह जिसमें वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ये चीज़ें होती हैं ठीक है अच्छा अब आते हैं डिमेसिलरी केयर ना डिमेसिलरी केयर वो केयर होती है जो वो केयर जो घर में प्रोवाइड की जाती है बाय ट्रेनड मिडवाइफ़ या जिसको आप दाई भी कहते हो ठीक है आ, तो इसको आप डिमेसिलरी केयर कहते हो ठीक है क्या होती है इट इज़ अ इंटरनेटल केयर दैट इज़ प्रोवाइडेड एट होम बाय ट्रेनड मिडवाइफ़ और दाई ठीक है एंड वैसे अब इसके एडवांटेजेस क्या होती हैं कि मदर को जो है वो अस्पताल जाना नहीं पड़ता ठीक है अस्पताल नहीं जाएगी तो नोजोकोमियल uh, इन्फेक्शन के चांसेस हॉस्पिटल एक्वाइड इन्फेक्शन के चांसेस जो होंगे वो कम से कम होंगे इसके अलावा जो है ये हमारे पास लेस एक्सपेंसिव भी होता है विच इज़ अ गुड थिंग ठीक है इसके अलावा जो है वो इन्फेक्शन एक्सपोजर की बात मैंने कर ली है ठीक है अच्छा वो जो है वो uh, उसकी डिलीवरी जो है वो फेमिलियर एन्वायरमेंट में हो जाती इवन इन द द्रेजेंस ऑफ देर चाइल्ड शी कैन केयर टेक केयर ऑफ़ द चिल्ड्रेंज एज वेल ठीक है एंड इसका डिसएडवानटेजेस ये होता है कि फीमेल जो है कम्प्लिकेशन हो सकती हैं रिस्क ज्यादा होता है ठीक है सेकेंड चीज़ ये होती है कि फीमेल जो है ना अपने डाइट का ख्याल रखती है और ना उसकी हेल्थ जो आ, वो है आ, रेस्ट uh, है उसका भी ख्याल नहीं होता ठीक है अच्छा इसके अलावा शी वेन एवर शी गेट कॉन्शियस एंड शी स्टार्ट वर्किंग एट होम ठीक है अच्छा सो uh, so, इसके बाद आते हैं इंस्टीट्यूशनल केयर इंस्टीट्यूशनल केयर वो केयर होती है जो हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जाती है ठीक है मेटरनल होम्स में प्रोवाइड की जाती है अब इसके एडवांटेज़ क्या होते हैं कि ये एडवाटिजेस ये होते हैं कि इसमें कॉम्प्लीकेशन जो हैं उनको प्रॉपर्ली हैंडल कर लिया जाता है ठीक है इसके अलावा जो है वो uh, प्रॉपर जो है वो रेस्ट प्रोवाइड किया जाता है प्रॉपर डाइट प्रोवाइड की जाती है ठीक है एंड uh, हाई रिस्क पेशेंट्स की प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है डिसएडवांटेजेस ये हैं कि एक्सपेंसिव होता है ठीक है साइकोलॉजिकल जो है अफेक्ट पड़ता है ठीक है एंड uh, इन्फेक्शनस जो है हॉस्पिटल एक्वाइड इन्फेक्शन और ये चीज़ें हो सकती हैं ठीक है और इवन मिक्सिंग ऑफ चिल्ड्रन भी हो सकता है ठीक है अब आते हैं डेंजर सिग्नल ड्यूरिंग लेबर डेंजर सिग्नल ड्यूरिंग लेबर क्या होता है कि लेबर uh, के दौरान आपको कैसे पता लग रहा है कि ये बहुत ख़तरनाक कंडीशन है फॉर एग्जाम्पल आपके जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है वो रापच्चर नहीं हो रही और इवन इफ इट गॉट रापच्चर द फ्लू इज नॉट कमिंग आउट ठीक है सेकेंड थिंग इज देर इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लेबर थर्ड थिंग इज देर इज लेट लेट या प्रोलॉन्ग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर ठीक है इसके अलावा जो है वो आम, जो मेकोनियम है वो आ, स्टेंड लीक निकाल रहा है ठीक है अच्छा पोस्टमार्टम हेमोरेज भी हो सकती है दैट आल्सो इंडिकेट द डेंजर सिग्नल ठीक है अब आते हैं रूमिंग एनर्ट एडवांटेज ठीक है रूमिंग एनर्ज एडवांटेज क्या होता है कि जो बच्चे का क्रैब होता है क्रैप ठीक है क्रेप वो मदर के बेल्ट के साथ बिल्कुल रखना चाहिए क्यों रखना चाहिए कि मदर जो है एक तो वो सेटिस्फाइड होगी कि बच्चा उसके करीब है ठीक है दूसरी ये होगी कि बच्चे को जब भी भूख लगेगी तो मदर उसकी ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती है थर्ड ये होता है कि मदर जो है वो कॉन्फिडेंट फील करेगी और बच्चा जो है वो मदर को रिकगनाइज भी कर लेगा ठीक है अच्छा अब बातें पोस्ट नेटल केयर में पोस्ट नेटल केयर में क्या होता है कि द केयर दैट इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड आफ्टर दी प्रेग डिलीवरी इज नोन एज द पोस्ट नेटल केयर ठीक है अच्छा एंड इट इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाई दिशन ठीक है अब सर्विसज क्या क्या प्रोवाइड हो सकती हैं एक तो अगर मदर घर चली गई है ना तो उसके विजिट्स हो सकते हैं मतलब डॉक्टर जो है वो आके होम विज़िट्स दे सकता है अगर आ, 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 पहले तीन दिन जो है वो दिन में दो बार विजिट्स देगा फिर सात दिन तक जो है वो दिन में एटलीस्ट एक बार देगा और फिर लास्ट विजिट जो होगा वो छः वीक पे होगा ठीक है फिर इसके बाद जो है वो आ, ये होता है कि फैमिली uh, प्लानिंग का इसका काम होता है रेफरल फॉलोअप वगैरह का काम होता है हॉस्पिटल ब्रेड्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं कम्प्लीकेटेड पेशेंट्स को ठीक है ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हमारे पास पोस्ट के सबसे पहले जो है ये कम्प्लिकेटेड जो पेशेंट्स होते हैं उनकी ट्रीटमेंट ठीक है अच्छा सेकेंड है फैमिली प्लानिंग थर्ड है रेगोलेशन uh, या uh, वो चेकअप फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग एंड फोर्थ जो है वो है uh, बेसिक हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं ठीक है अब पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं सेप्ति, सेप्सिस हो सकते हैं बलए फॉर्मेशन हो सकता है थम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है ठीक है इसके अलावा हमेस्टाइटस और यूटीआई वगैरह हो सकते हैं ठीक है? है अच्छा दैट्स इट uh, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे थैंक यू